अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर है 18। कैटेगरी आपके पास वही चल रही है 16 से हमने इस कैटेगरी को स्टार्ट किया था कि हमने देखा था इस कैटेगरी में हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है रीअरेंजमेंट का। तो रीअरेंजमेंट आपने कैसे करनी है वो एंगल्स की बेस पे करनी है। तो सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल है, पहले ही आपने ये दो काम करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे बड़ा एंगल हमारे पास कौन सा है वो आ जाएगा हमारे पास 5 ऑफ x, उसको हम लिख देंगे पहले। तो साइन 5 x आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल हमारे पास कौन सा है वो आ जाएगा एक्स। सो इसको हम लिख देंगे इसके साथ, तो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ 3 ऑफ x, उसको हम साइड पे यहाँ पे लिख देंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 3 x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने जब रीअरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास ये जो चीज है आप यहाँ पे लिख भी देना साहब, ठीक है। पहले रीअरेंजिंग वी हैव क्या आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। सो लिखने से ये होता है कि जो चेक करने वाला होता है उसको पता होता है कि यार इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने जो सबसे पहला काम होता है रीअरेंजिंग का वो उसने किया है। सो नेक्स्ट है, अब आपके पास ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगा दी इसलिए ताकि आप लोगों का फोकस इस पे रहे, आप लोगों को ये पता हो और जो चेक करने वाले के लिए भी आसानी हो कि इसने किस कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पे इसने लगाया है फॉर्मूला। सो अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं, दोनों ही साइन है, सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला इस पे हम अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू, ये इक्वल होगा हमारे पास 2 sin p + q डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। सो यही फॉर्मूला अब इधर हम अप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट्स में मैंने दो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो इस पे अप्लाई करेंगे। इट मींस टू से फॉर्मूले में जहां भी कहीं पी आ रहा है उसको आपने रिप्लेस कर देना है किससे, 5 ऑफ x से, और जहां भी कहीं हमारे पास क्यू आ रहा है उसकी जगह आपने लिख देना है, उसको रिप्लेस कर देना है किससे, x से। सो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 sin p की जगह आ जाएगा 5 x, q की जगह आ जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे आपके पास है cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, p की जगह आ जाएगा आपके पास 5 x और q की जगह आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 3 x इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने करना है जो एंगल्स है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हुए हैं इसके एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको आगे फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 sin, ये आपके पास आ जाएगा 6 x / 2, साथ साथ इसकी कटिंग भी करते रहो सिंपलीफाई भी करते रहो। कॉस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 x / 2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस साइन 3 x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो अब कटिंग के बाद जो बाकी रिमेनिंग चीज रह जाएगी वो हम लिख लेते हैं, आ जाएगा 2 sin 3 x इनटू कॉस 2 x प्लस साइन 3 x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने देखना है कि कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 3 x को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा बाय, बाकी जो रिमेनिंग चीज रह जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2 cos 2 x + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो इट मींस टू से अब हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं इक्वल टू 0 करके, तो मैं यहाँ पे इसको एक लाइन लगा दूंगा और पार्टीशन करने के बाद इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन इजी है, बस ये जो आपके पास ये जो कैटेगरी चल रही है क्वेश्चंस की, तो इसमें आपने बस एक ही ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो आपने प्रॉपर करनी है। वो मैं बार बार क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने बताया, 17 में भी और अभी 18 में भी बता रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास पहला जो केस आ जाएगा साइन 3 x इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड केस बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 2 cos 2 x + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे अब देखो जो आपके पास फर्स्ट केस है वो तो बहुत सिंपल है, बिकॉज राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू पड़ी है वो है 0, तो 0 का ना तो कोई पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, इससे कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपके पास 3 x = साइन, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, तो 0 आपके पास एक टेबल वैल्यू है, तो साइन किस किस एंगल पे ये टेबल वैल्यू देता है 0, तो एक तो आ जाएगा साइन 0 डिग्री पे और दूसरा आपके पास साइन 180 डिग्री पे आपके पास वैल्यू देता है 0। इनको मैं रेडियंस में लिखूंगा तो रेडियंस में आपके पास 0 डिग्री 0 ही होगा, ठीक है, रेडियंस में भी 0 आ जाएगा, 180 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा पाई। सो नेक्स्ट आगे फर्दर मैं इसको स्प्लिट करूंगा बिकॉज यहाँ पे x के साथ अभी 3 है, सो सॉल्यूशंस जो होंगे वो x के रिजल्ट्स होंगे ना कि 3x 4x या 2x ऐसे वहां पे आएंगे, उसको आपने
एक्स के रिजल्ट्स में लेके आना, ठीक है। मीन्स से 3x के साथ यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 3x equals to 0, एक तो ये आ जाएगा आपके पास, और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा 3x equals to pi। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड होगा तो 0 और समथिंग आपके पास जो पहला सोल्यूशन आ गया वो है 0। सेकंड सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाएगा, पाई से डिवाइड हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम लोग केस की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है 2 cos 2x equals to, इसको मैं ले जाता हूं 1 को पॉजिटिव साइन के था राइट हैंड साइड पे लेगेगा तो माइनस साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे लेके जाऊंगा तो आ जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। सो अब हम लोगों ने क्या करना है कि देखना है, आइडेंटिफाई करना है एंगल हमारे पास क्या है। एंगल वंस अगेन एंगल एक्स नहीं है, जो भी मल्टीपल्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। अभी हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है या जो ये हमारे पास गिवन एंगल है वो हमारे पास क्या है 2x। तो यहाँ पे आप लोगों ने x नहीं लिखना, क्या लिखोगे 2x। 2x lie in किस किस क्वाड्रेंट में lie करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वंस अगेन आपने देखना है कि आपके पास जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे उसके साथ साइन क्या है, वो है हमारे पास नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन सा है, वो है cos। तो cos नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होगा वो देख लेते हैं। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इट मींस उसे यहां से हम लोग रेफरेंस पहले तो यहां पे लिख लेते हैं, रेफरेंस एंगल की तरफ बाद में चलेंगे। तो 2x हमारे पास लाइक किस किस में कर रहा है, वो आपके पास सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट टास्क हमारा फिनिश हो गया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके रेफरेंस एंगल की वैल्यू निकालते हैं। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2x ना कि x, ठीक है। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं। रेफरेंस एंगल जब निकाल रहे होते हैं तो 2 को भी आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हो, x की फॉर्म में रेफरेंस एंगल लिख देते हो, जो गिवन एंगल होता है वो इसका रेफरेंस एंगल होता है। अभी 2x है तो 2x में जो इसका आंसर आएगा वो उसका रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है। सो 2x को यहीं पे रहने दो, cos को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स। वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। वंस अगेन आप लोग, मैं हर क्वेश्चन में मैंने बताया ये जो साइन होता है ये जस्ट हमें बताने के लिए आता है कि ये क्या इन्फो बता रहा है कि आपके पास ये जो गिवन एंगल है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, बस उसका काम इतना है। रेफरेंस एंगल की जब वैल्यू आप निकालोगे उसके लिए आपने यहाँ पे साइन जो भी होगा उसको यूज नहीं करना, ठीक है, उसको इग्नोर करना है। सो कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 हमारे पास एक टेबल वैल्यू है, तो कॉस किस एंगल पे ये टेबल वैल्यू देगा 1/2, तो वो आ जाएगा हमारे पास किस पे 60 डिग्री पे। सो इसको मैं जब रेडियंस में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2x equals to pi by 3। तो 60 डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में तो आगे pi by 3, तो ये आ गया हमारे पास रेफरेंस एंगल की वैल्यू। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो गिवन एंगल 2x था वो लाई किसमें कर रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक आपके पास केस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला, यहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा और एक और सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, वो हमें पता है कि आपके पास जो गिवन एंगल है वो लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो यहां से रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो गिवन एंगल है वो आपके पास क्या है 2x और सेकंड क्वाड्रेंट, इट मींस उसे पाई से कुछ माइनस करोगे, माइनस क्या करोगे, आप रेफरेंस एंगल की वैल्यू माइनस करोगे वो है पाई बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा आपके पास 3 पाई माइनस पाई, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2π/3। लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है इसलिए मैं इसको अंडर रेक्टेंगल नहीं कर रहा, बेहतर है इसको मैं नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2π/3। सो ये आपके पास यहाँ पे 2x एज इट इज चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपको बता चुका था कि देखो आपके पास यहाँ पे ट्रिपल एंगल था तो रिजल्ट्स जो होंगे वो x के रिजल्ट्स होंगे, ना कि 3x या 2x के, ठीक है। तो अगर आपके पास x के साथ यहाँ पे कोई मल्टीपल आ रहा है तो उसको आपने खत्म करना है, मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 पड़ा है तो 2 भी नीचे जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 आपके पास आ जाएगा 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा 2 की टेबल पे कट किया 1 और नीचे आ जाएगा 3। तो एक आपके पास सॉल्यूशन और आ गया, वो आ गया आपके पास पाई बाय 3। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, कि हमें ये पता है कि जो गिवन एंगल है वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इट मींस पाई में कुछ ऐड करोगे तो पाई में ऐड क्या करना है, रेफरेंस एंगल की वैल्यू वो आपके पास पाई बाय 3। इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर 3 पाई प्लस पाई, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4π/3। सो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2x। वंस अगेन अब आपने यहाँ पे इस 2 को खत्म करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4π/2, 3 are 6। फर्दर इसको 2 की टेबल पे कट करो तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, एक और सोल्यूशन आ गया, वो आ जाएगा 2π/3। सो ये हमारे पास सोल्यूशन थे 1, 2, 3 एंड ये आगे 4।
सॉल्यूशंस तो हमने निकाल लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है सॉल्यूशन सेट लिखने का, और सॉल्यूशन सेट हम लोग जब लिखते हैं तो उसके मीन इनके जो सॉल्यूशंस क्या है सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो उनके साथ उनके पीरियड्स भी ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इस केस को देख लेते हैं कि ये जो हमने दो सॉल्यूशंस निकाले हैं इसके साथ जो हम पीरियड लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में तो वो क्या है। सो सबसे पहले आपने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा है साइन। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स वो हमारे पास क्या आएगा 2nπ, वो हमें पता है ठीक है। अब आपने साथ देखना है कि इसके आगे एंगल क्या है, कितना मल्टीपल है, यहाँ का 3 का मल्टीपल है मीन्स ट्रिपल एंगल है। तो इट मीन्स टू से फिर पीरियड आपके पास इन केस के लिए जो सॉल्यूशंस लिखे हैं के साथ आपने जो ऐड करके लिखना है वो आ जाएगा साइन 3x का, साइन 3x आपके पास क्या हो जाएगा 2nπ डिवाइडेड बाई 3, मीन्स उसे जो भी आपके पास एंगल का मल्टीपल होगा उसी से आपने इसको डिवाइड कर देना। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा 2nπ डिवाइडेड बाई 3। सो अगर यहाँ पे आपके पास 6 होता, 7 होता, एनी वैल्यू होती उससे आपने फिर इसको डिवाइड कर देना ठीक है। तो ये हमने पीरियड निकाल लिया किसका, इन दो सॉल्यूशंस के लिए जो फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं, सेकंड केस में आपने देखना है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो है हमारे पास कॉस। तो कॉस का जो आपके पास पीरियड होता है वो हमें पता होता है वो आपके पास क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ कॉस ऑफ एक्स वो हो जाएगा 2nπ। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो है डबल एंगल, तो इट मीन्स उसे तो आपके पास पीरियड क्या हो जाएगा इस केस के लिए पीरियड ऑफ कॉस 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2nπ डिवाइडेड बाय 2, जो भी मल्टीपल होगा उसको वहां पे आके डिवाइड कर देना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास इस केस का जो पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा nπ। तो पीरियड्स भी निकाल दिए, सोल्यूशन ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, अब लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट लाजमी आपने लिखना है ठीक है, बिकॉज उसके सेपरेट मार्क्स होते हैं। सो सॉल्यूशन सेट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास क्या है 0। सो 0 के साथ आपने जो भी सॉल्यूशन होगा उसके साथ इसका पीरियड ऐड करके लिखना है, तो 0 के साथ कुछ भी ऐड करके लिखो तो वही चीज आ जाएगी। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 2nπ डिवाइडेड बाय 3, एक तो सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया यूनियन। सेकंड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास पाई बाय 3, और इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है ऐड करके लिखना है इसका पीरियड, तो आ जाएगा आपके पास 2nπ डिवाइडेड बाय 3 यूनियन। नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ, वो है हमारे पास पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3 प्लस इसका जो पीरियड है इस केस के लिए वो हमारे पास क्या है वो आ जाएगा nπ। फोर्थ सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा है 2πby 3, इसके साथ इसका पीरियड ऐड करके लिखना है वो आ जाएगा हमारे पास nπ। तो ये हमारे पास आगे फोर सॉल्यूशंस जिनको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में मैंने लिखा है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन अगर स्टिल कहीं भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी फिर सेपरेट वीडियो में मैं वो रिजॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।